मेरे स्टूडेंट, चलिए दफा यहाँ से चलिए। मोहित भाई, क्या आप सुट्टा पीते हैं? अच्छा, फिर तो आप गांजा भी फूंकते होंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी का मिक्स अड्डा, आपके अपने पसंदीदा शो शर्मा जी बकचोद न्यूज में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम किससे मिलवाने वाले हैं आपको? आज हम आपको आपके पप्पूओं के सरदार यानी कि मोहित शर्मा से मिलवाने वाले हैं। वैसे मैंने इनको पप्पू नाम गलत नहीं दिया है, क्योंकि एक पप्पू वो है जो मीठा है और ये पप्पू जो है बिल्कुल खट्टा है, बिल्कुल ये पप्पू के अपोजिट है, लेकिन ये भी पप्पूओं का सरदार है। इन शक्ल इनकी पप्पू जैसे होने के साथ साथ अकल भी इनके घुटनों में है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सीधा पप्पूओं के सरदार मोहित शर्मा के पास। मोहित भाई, कैसे हैं आप? मोहित भाई, ये लैंग्वेज तो मुझे नहीं आती है, लेकिन कोई बात नहीं मोहित भाई, आपने जवाब दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मोहित भाई, सबसे पहला सवाल है आपके लिए, क्या आप मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं? नहीं, मोहित भाई, किसी एक जगह ही तो जाते होंगे आप। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। अच्छा मोहित भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप पैदाइशी बकलोल हैं या अभी बेबुद्धि के आदमी हुए हैं? ये हिंदू पक्ष कह रहा है या आप कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ, और लोग भी बोलते हैं। ठीक है, आप दावे से कहते हैं? हाँ, मैं दावे से कहता हूँ, बड़े वाले पप्पू हैं, बेबुद्धि वाले आदमी है, घुटनों में आपका दिमाग है। अच्छा मोहित भाई, कई लोगों का ना सवाल भी था, ये मेरा सवाल नहीं है, पूरी जनता का सवाल है। कई लोग कहते हैं कि आप ना लोग में नहीं लुगाई में आते, तो क्या आप हमें बताएंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं? लोग कैटेगरी में आते हैं, लुगाई की कैटेगरी में आते हैं, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? हाँ, ठीक है मोहित भाई, आप लुगाई में आते, तो इसमें भटकने वाली कौन सी बात है यार, सबकी अपनी अपनी पसंद है, मैं रोक थोड़ी सकता हूँ आपको यार। फिर आपने क्यों कहा? अरे भाई, मेरा काम है सवाल पूछने का यार, मैं पूछूंगा नहीं, क्या जनता का सवाल था ये पूछने का, इसलिए मैंने आपसे पूछा। जनता का ये सवाल नहीं है। अरे भाई, जनता का ही तो सवाल था, इसलिए तो तेरे से पूछ रहा हूँ। भाई, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ और तू भटके जा रहा है यार। मत कर भाई, सीधी तरीके से जवाब दे ले, नहीं तो रॉकेट के साथ बांध के ऊपर उड़ा दिया जाएगा। नहीं, ऐसा ना हो मेरे अंदर का रिपोर्टर खत्म हो जाए, रिपोर्टर की जगह मेरा रोस्टर बाहर निकल जाए, तो सीधी तरीके से जवाब दे ले मोहित भाई। अच्छा मोहित भाई, मैं एक सवाल आपसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ, आपको कौन सा व्हीकल चलाने में सबसे ज्यादा मजा आता है? ऑटो रिक्शा। ठीक है, तो मतलब आपको ऑटो रिक्शा चलाना सबसे ज्यादा पसंद है, पर ऑटो रिक्शा आप क्यों चलाते हैं, क्या करते हैं आप ऑटो रिक्शा चला के? मैं क्या, स्विगी की डिलीवरी। ओह, तो आप डिलीवरी बॉय भी हैं, जिसमें स्विगी वगैरह की आप डिलीवरी करते हैं। खैर चलिए, कोई बात नहीं, आप बड़े आदमी हैं, आप बड़े बड़े काम करते हैं, लोग बाग साइकिलों पे या मोटरसाइकिलों पे डिलीवरी करते हैं, आप ऑटो रिक्शा में करते हैं, अच्छी बात है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, मुझे पता है पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन जाना भी तो आपको ऑटो रिक्शा में, साइकिल चला के आप जा नहीं सकते, मोटरसाइकिल चला के आप जाओगे नहीं, क्योंकि आप पप्पूओं के सरदार जो ठहरे। ये सवाल नहीं है। पता है मोहित भाई, जब आपसे जवाब नहीं दिए जा रहे, तो आप यही बोलो कि ये सवाल नहीं है। अच्छा मोहित भाई, क्या आप सुट्टा पीते हैं? अच्छा, फिर तो आप गांजा भी फूंकते होंगे और देसी पौआ। अच्छा, तो इसका मतलब ये आप बहुत शौकीन आदमी हैं। खैर चलिए, कोई बात नहीं मोहित भाई, सबके अपने अपने शौक होते हैं यार, अब ऐसी गधे वाली शक्ल मत बनाओ, अब तो आपने सबके सामने बोल दिया है। अच्छा मोहित भाई, ये जो सब आप शौक करते हैं, करते कहाँ पे हैं आप? क्योंकि आप इतने बड़े आदमी है, बाहर जाना तो ये सब करने के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो आप ये करते कहाँ पे हैं? अपने घर में। अपने घर में। ठीक है, आप अपने घर में करते, तो इसमें अकड़ने वाली कौन सी बात है? भी आपको पहले भी समझाया था मैंने, आपको फिर से समझा रहा हूँ, ऐसा ना हो रॉकेट के साथ बांध के आपको उड़ा दिया जाए फिर से। हाँ, मत कर मोहित, नहीं तो बम्बू भी डाल सकता हूँ मैं। हाँ, अच्छा मोहित भाई, आप क्या चाहते हैं, देश के युवा कौन सा काम करे, उनको कौन सा काम सूट करना चाहिए? हाथ में आप कट्टे दो। अच्छा, मतलब हम उनके हाथ में, बिचारों के हाथ में कट्टा दे और आप मौज मारते फिरे, ये तो कोई बात नहीं मोहित भाई। है नहीं, यही बात है। अच्छा, देश के जो युवा है वो तो हाथ में कट्टा ले, तो और आपके जो घर के युवा होंगे, वो आप क्या चाहते हैं, जो आपकी औलाद होगी, आप उनको क्या करना चाहेंगे? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश की यूनिवर्सिटी में भेजो। अच्छा, जनता क्या गधी है, मतलब खुद के बच्चों को तो आप विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की बात कर रहे हो, हम लोग हाथ में कट्टे ले, ये हाथ में कट्टे लेने वाले ना, कल को आपको प्लास्टिक के बोरियों में बंद करके ना इतना मारेंगे, आपके कल टिकाने आ जाए, ऐसे जवाब मत दीजिए आप। और उसके बाद क्या, उसके बाद तो आप ही बताओगे ना, आपके कहां कहां से कौन कौन से धुएं निकलेंगे। अच्छा तो मोहित भाई, जब मैंने आज आपको पप्पू के सरदार की उपाधि दी है, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को गर्व है, मेरे को गर्व है। तो मोहित भाई, देश के पप्पू के सरदार के लिए बहुत जोर की ताली बजनी चाहिए इस बात पे, तो है फिर से है तो बाहर नहीं। अच्छा तो मोहित भाई, आपका अगला टारगेट क्या है? खान का घर तोड़वाऊंगा मैं। नो कमेंट्स। वही भाई, जैसे आप पप्पू के सरदार थे, क्या आप अपने आप को वहाँ पे खुद को खड़े हुए आम के चुसे हुए गुठली भी मानते हैं क्या? कौन है यहाँ पर, या खड़ा कौन है अभी यहाँ पर, खड़ा कौन है यहाँ पर? ठीक है, मैं समझ गया, आप ही हैं, आप ही चुसे हुए आम की गुठली भी आप ही हैं यार, भड़को मत प्लीज, भड़को मत। ठीक है, मैं मान गया, आप पप्पू भी और चुसे हुए आम की गुठली भी है, कोई बात नहीं। सवाल किसने करा था, सवाल किसने करा? मोहित भाई, जब सामने मैं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो सवाल भी तो मैं ही कर रहा हूँ ना आपसे, कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आज आप इंटरव्यू में भी, आप जब आपसे बात हो रही है तो लगा के आए हुए आप यहाँ भी। चिल्लाइए मत पहले। हाँ।
सवाल किसने करा था? अरे मोहित भाई मैं चिल्ला नहीं रहा यार, सवाल मैं ही तो कर रहा हूँ, और कौन सवाल करेगा यार, कैसी बात कर रहे हो यार। अच्छा मोहित भाई मेरा एक और सवाल कि ये कि आप जो ये ढोलक की बीड़ी पीते हैं और आप जो ये ठर्रा पीते हैं, जो देसी पौवा पीते हैं, इसके बारे में कौन कौन जानता है? और पूरे देश का मुसलमान जानता है ये बात। हाँ। पूरे देश का मुसलमान जानता है। हाँ। और पूरे देश का हिंदू जानता है। जब पूरे देश का मुसलमान और हिंदू ये बात जानता है, जब आप इतनी बकचोदी कर रहे हो, आपको डर नहीं लग रहा है मीडिया के सामने कुछ भी बोलते हुए? कैसे आदमी हो यार आप? मोहित भाई ये जो आपने आज इंटरव्यू दिया ना, पूरे सोशल मीडिया में इस इंटरव्यू को चलाऊंगा और तुम्हारी धज्जी उड़वाऊंगा। मोहित भाई आज आपके लिए बस एक आखिरी सवाल और आपसे देश के विकास के लिए बात करना चाहूंगा। वैसे देश का विकास तो बहुत तेजी पे हो रहा है मोहित भाई, तो क्या कहना चाहेंगे आप? विकास कौन सा विकास है? एक विकास दुबे नजर आता था देश में, उसका एनकाउंटर करवा दिया विकास दुबे का। भाई विकास दुबे तुम्हारी गैंग का आदमी था क्या? जो तुम्हें बड़ा दुख हो रहा है यार, मैं विकास की बात कर रहा हूँ, विकास दुबे की बात कर रहा हूँ। कौन सा विकास है, कहाँ विकास है? ठीक है मोहित भाई, आपके सवालों के जवाब से मुझे लग रहा है कि आप पप्पू नहीं पप्पू के सरदार ही हैं। मैंने बिल्कुल सही उपाधि आपको दी थी, इससे ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहूंगा। तो मिलेंगे आपसे अगली फिर कभी जब मिलने का मन करेगा, और ऐसे ही आपकी धजिया उड़ाएंगे हम। वैसे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, सब आपको हिंदू विरोधी मोहित शर्मा बोलते हैं। कौन कह रहा है? ये कौन तमाम लोग हैं? ये आरोप झूठे लगा दिखाइए, कौन लोग हैं? अब जब आपको मैं ही सामने बैठा हुआ नहीं दिख रहा हूँ, वो लोग देख के आप कह रहे हैं? चलिए निकले, बहुत देर हो गई आपको मेरे स्टूडियो, चलिए दफा हुई यहाँ से, चलिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी मजेदार रोस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, मतलब नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो देख लें।